नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। किसान कांग्रेस आक्रोश रैली में उमड़ा जनसैलाब। जी हम बात कर रहे हैं काला पीपल विधानसभा की। यहां पर आज किसान आक्रोश रैली में भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों की बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल के लिए पूरे क्षेत्र के किसानों के साथ काला पीपल में प्रशासन और सरकार के सामने धरना प्रदर्शन किया और बोले कि जब तक भाजपा सरकार किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा नहीं देगी तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर में घुसकर मध्य प्रदेश के पूरे किसानों के साथ उनके घर में धरना दूंगा। और आगे उन्होंने कहा कि हम न्याय की बात करते हैं। जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण न्याय के लिए अपने मामा का भी वध किया था तो मैं उसी धर्म से नाता रखता हूं। काला पीपल से बबलू जायसवाल की रिपोर्ट। लगातार सोयाबीन में प्रताड़ित हो रहा है। हमारा 2019 का बीमा, 2020 का बीमा, आधा मुआवजा और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार की फलन की स्थिति है इस समय भी अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है। इस बात को लेकर हमने धरना दिया था कि 10,000 रुपए क्विंटल का सोयाबीन का बीज लिया है, इस बार उसकी लागत जिस प्रकार से पड़ी है और कहीं ना कहीं उसकी कीमतें अलग कम होती जा रही है और मुआवजे के लिए अभी तक ना तो कोई सरकार ने आर्डर किया है ना कोई निर्देश देने का काम किया है। तो इस सोती हुई सरकार को जो कहीं ना कहीं चंद उद्योगपतियों के गुलामों के रूप में काम कर रही है जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे आज धरना दिया था और पूरी तरीके से किसानों का समर्थन उसको रहा और किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द अगर नहीं करा तो आगे और भी धरने करेंगे और जरूरत पड़ी तो भोपाल तक धरने करेंगे। वही भाई साहब, केंद्र सरकार और कई शासकीय संपत्ति को बेचने की तैयारी में ये आए थे एक नारे के साथ कि देश नहीं बिकने दूंगा और अब जो लग रहा है कि जो इनका कमिटमेंट है वो कमिटमेंट इतना पक्का है चंद उद्योगपतियों से कि उनको पूरा देश बेच के छोड़ूंगा। यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करी जा रही है, पूरे देश के अंदर करी जा रही है। जो जो संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई थी इस 70 साल के अंदर, नवरत्न कंपनियों से लेके शिक्षा संस्थानों से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूलों से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनाने का काम किया था गेल भेल सेल और इनको इन्होंने बेचने का काम कर रहे, चाहे रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, ये इस देश के नागरिकों की गाड़ी कमाई की बनी हुई संपत्तियां लाखों करोड़ की है, इन्हें चंद उद्योगपतियों को चंद दामों पे देना चाहते हैं और इसका विरोध पूरी तरीके से कांग्रेस कर। देखिए सांसद ने जो कहा है सही कहा है कि ये कांग्रेस की सोच है, स्पष्ट है। इस देश के आम आदमी की सोच कांग्रेस की सोच के साथ है कि उसको 350 और 380 में जब गैस की टंकी महंगाई डायन लगती थी तो 1,000 रुपए में वो विकास नहीं देख सकते, 50 रुपए पेट्रोल डीजल पे जब वो महंगा लगा करता था तो 110 के पार वो सस्ता नहीं लग सकता। स्पष्ट है आम आदमी की सोच के साथ कांग्रेस की सोच है और इसी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी काम करती है और कांग्रेस पार्टी इसी के मुताबिक चली है। स्पष्ट रूप से इनके मानसिक दिवालियापन हो चुके हैं। जब भी महंगाई की बात करो तो जनता के डर से इस मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं और इनको सपने में भी कांग्रेस दिखती है भाई। इनके पास ना तो कोई नीति है ना कोई नियत है, सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो और घृणा और नफरत की बात बोलो और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम।